ये है बोल्ट स्ट्राइकर, एक नई स्मार्ट वॉच। जानेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में। जिस तरह के स्लीक से बॉक्स में आता है, ये प्लास्टिक की एक रैपिंग प्रोवाइड की गई है जिसे हम ओपन कर लेते हैं। और ये रहा बोल्ट। इस तरह से ओपन करने के बाद आपको मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल्स, साथ में एक ये चार्जिंग केबल मिलती है। और ये है स्मार्ट वॉच जिसमें आपको स्ट्रैप्स लगाना पड़ेगा। स्ट्रैप्स भी साथ में दिया हुआ है और कुछ इस तरह से लगने के बाद ये दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। इस स्मार्ट वॉच की डिज़ाइन मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, क्योंकि ये राउंडेड शेप की वॉच है और उसकी वजह से इसमें पूरे 1.3 इंच का एक बहुत ही गॉर्जियस सा डिस्प्ले मिलता है आपको। जितने भी वो स्क्वायर शेप वाले स्मार्ट वॉच हैं, मुझे वो थोड़ा काफ़ी कम पसंद से हैं, लेकिन ये राउंडेड शेप होने की वजह से इसका जो डिस्प्ले एरिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको। और उसके ही साथ इसमें तरह तरह के अलग अलग वॉच फेसेस हैं, तो आप कुछ इस तरह से इसको सेट कर सकते हो और दिखने में ये बिल्कुल एक रियल वॉच जैसी लगेगी, ना कि एक स्मार्ट वॉच। उसके ही साथ अगर आप इसकी थिकनेस देखो तो मुझे कंपैरेटिवली ये बहुत ही पतला भी लगता है। उस वजह से होता क्या है, जैसे ही आप इसे हाथ में पहनते हो ना, आपके हाथों में ये काफ़ी अच्छी सी दिखाई देती है और बहुत ही स्लिम होने की वजह से यह आपके हाथों में बहुत ही प्रॉपरली फिट होती है। ये स्मार्ट वॉच IP67 वाटर रेजिस्टेंट भी है। आप अगर इसे पहनकर कुछ इस तरह से वाटर भी कंज्यूम कर लेते हो ना अपने वॉच पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस स्मार्ट वॉच को। डिजाइन में ही अगर आप वॉच फेसेस की बात करो तो इसमें 150 प्लस क्लाउड वॉच फेसेस आपको अवेलेबल मिलते हैं और काफी शानदार से वॉच फेसेस भी प्रोवाइड किए गए हैं। 1.3 इंच का एक HD रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले इस पे प्रोवाइड किया गया है और डिस्प्ले काफी शार्प है, वो मुझे काफी पसंद आया। और बहुत सारे स्क्वायर शेप वॉच में ना नीचे वो चिन थोड़ी सी छूट जाती है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको पूरा एक ऑलमोस्ट वॉच जैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके बड़े से डिस्प्ले के साथ। अगर स्ट्रैप की क्वालिटी की आप बात करो तो यहाँ पर स्ट्रैप की लेंथ वाइज काफ़ी सही है, इसमें आपके हाथों की थिकनेस कोई ख़ास फर्क नहीं डालने वाली। और यहाँ पर बहुत सारे होल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सा ये लुक इसको भी प्रोवाइड कर देता है। और आप तरह तरह के स्ट्रैप्स को बदल भी सकते हो, कुछ इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इसके स्ट्रैप को अलग कर सकते हो। इस वॉच में यहाँ नीचे की तरफ एक स्पीकर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आपको ब्लूटूथ कॉल वगैरह भी अटेंड करनी है तो आप डायरेक्टली इसमें सुनाई दे सकता है वो। मैं आपको ये टेस्ट करके भी बताऊंगा। अगर सिर्फ डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं इस वॉच को देना चाहूँगा 4.5 out of 5 star, जो कि काफ़ी मार्वलस रेटिंग है और मुझे इसका डिज़ाइन पार्टिकुलरली काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो आपके स्मार्टफोन में बोल्ट का एक स्मार्टफोन ऐप आता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और उस ऐप को डाउनलोड करते ही वॉच कनेक्ट हो जाएगी और आपको उस ऐप में पूरा डेटा इसका दिखाई देगा। अभी मैंने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है। इसके होम पेज से आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स आइकन में, और यहाँ सेटिंग्स आइकन पर फ़ोन को ऑन कर देना है। फ़ोन को ऑन करते ही आपके फ़ोन में ये बेसिकली कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही ये कनेक्ट होगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉच लिख के आ रहा है। तो अभी ये फ़ोन और ये चीज़ कनेक्टेड है। मैं अपने फ़ोन को छोड़ देता हूँ और मैं सिर्फ इससे एक कॉल करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही आप इसको लेफ़्ट साइड में एक्सेस करते हो, आपको यहाँ पर रीसेंट एक्टिविटीज़ दिखाई देंगे, रीसेंट कॉल्स, और डायलर भी है यहाँ पर। मैं फ़िलहाल अभी अपने रीसेंट कॉल में जाकर यहाँ पर कॉल करता हूँ। जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा कि अभी बेल जो है ना, इस वॉच से ही जा रही है, आप देख सकते हो। हेलो, हेलो, हाँ आवाज़ आ रहा है? आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ सही आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक एक्सपीरियंस है, आप इस तरह से अपने स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हुए इसे ऑन कर सकते हो।
और कॉल को सिंपली कट करने के लिए यहाँ पर आप इसे प्रेस कर सकते हो। दैट्स इट। मुझे इसका ये ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर भी काफ़ी सही लगा। और इनकेस मान लो कि फ़ोन आपका किसी दूसरे कमरे में है और आप स्मार्ट वॉच लगा कर बैठे हुए हो, तो फिर आपको फ़ोन एग्जैक्टली एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हुए ही कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हो। ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी को देखते हुए मैं इसको रेटिंग दूंगा 4 out of 5, विच इज़ मार्वलस रेटिंग। और मुझे इसमें जो स्पीकर की क्वालिटी लगी ना, वो भी काफ़ी सही है, एक्यूरेट है। आपके फ़ोन के स्पीकर जितना लाउड तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा सा स्पीकर इसमें प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कुछ हेल्थ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ की। इसमें काफ़ी अच्छे से स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं, तो उन स्पोर्ट्स मोड को इस्तेमाल करके आप तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। इसमें सिर्फ वॉकिंग ट्रैकर नहीं है, बल्कि वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, फ्री ट्रेनिंग, योगा, तमाम अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। और उस दौरान ये आपकी हार्ट रेट वगैरह को मॉनिटर करता है और टाइमिंग भी दिखाता है कि आपने कितनी देर तक एक्सरसाइज वगैरह किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसे वॉच को लगाकर थोड़ा यहाँ पर कुछ स्टेप्स चलूँगा, तो आप देख सकते हो कि कैसे ये एग्जैक्टली इसे ट्रैक कर रहा है, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। यूजुअली जब भी आप ऐसे वॉक वगैरह करते हो, तो थोड़ा सा वहाँ पर ना कुछ सेकंड्स के बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो आपको उतनी सी बात ध्यान में रखनी होगी। ये ना सिर्फ इस स्मार्ट वॉच का केस है, बल्कि किसी भी स्मार्ट वॉच में आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है, और उस मामले में मुझे ये काफ़ी सही भी लगा। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर जो दी गई है ना, वो है इसका एक्सरसाइज मोड। मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा इस चीज़ का। जैसे ही आप होम पेज से राइट साइड में स्वाइप करोगे, तो आपको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला आइकन दिखेगा। मैं इसे प्रेस करता हूँ, ये कुछ इस तरह का आइकन रहता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऐसे तमाम अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप ऐड स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी जा सकते हो, और स्पोर्ट्स मोड में तरह तरह का, जैसा ट्रेनिंग है, आउटडोर एक्टिविटीज, डांस, कॉम्बैट, बाल स्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आपको यहाँ पर आर्करी का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब ये तो हद हो गई। तो किसी भी स्मार्ट वॉच में मैंने इतने सारे एक्सरसाइज मोड नहीं दे रखे हैं। आपको कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली अगर इस स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं इसमें। यहाँ पर ना हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन दिया है, तो आपको ऐसे ना हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी वगैरह करने का मन हो, तो आप इस स्मार्ट वॉच को पहन के घुड़सवारी करोगे और आपको ये ट्रैक करेगा, विच इज़ फैंटास्ट। मैंने इस स्मार्ट वॉच को लगा के कुछ पुशअप्स ही किए। अब मैं घुड़सवारी तो नहीं करने वाला था, यहाँ पर घोड़े नहीं मिल रहे हैं और ना ही मुझे आता है, तो उस केस में मुझे काफ़ी सही रिजल्ट्स मिले। ऑलमोस्ट जो हार्ट रेट दिख रहा था काफ़ी सही था, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। मैं कुछ और भी डिवाइसेस से अगर अपने आप को ट्रैक करूं, तो इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं दिखाई दिया मुझे, और इस वजह से ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, काफ़ी एक्यूरेट है और बहुत ही यूज़फुल सा, यूनिक सा फीचर है। और इसमें आपको तमाम अलग अलग स्मार्ट्स ऑप्शन मिल जाते हैं। फीचर्स में ही अगर बात करें, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का, जो कि बहुत ही रेयर है, हर एक स्मार्ट वॉच में ये फीचर नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसने मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया है अभी, और थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाई देंगे, और ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो 120 का ब्लड प्रेशर है, और अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको एक रेंज भी दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। जैसे कि आपको पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर किस रेंज में होना चाहिए है, तो आप मेज़र कर सकते हो और मैच कर सकते हो कि क्या आप नॉर्मल जोन में हो या फिर लो बीपी या हाई बीपी पे हो। तो काफ़ी सही मुझे ये फीचर लगा। इस स्मार्ट वॉच में आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है फीचर्स और स्पेसिफिकेशन वाइज, तो जितने भी फीचर्स हैं उनको कंसीडर करते हुए मैं इसे रेटिंग देना चाहूँगा 4.5 out of 5, विच इज़ मार्वलस। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ वाइज भी इसमें अप टू 7 days का बैटरी बैकअप आपको मिल सकता है जनरल यूजेस पे। बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा अगर कॉल वगैरह करनी है, तो उस केस में आपको सिर्फ 2-3 दिन की ही बैटरी लाइफ मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं होगा ना कि आप दिन भर सिर्फ कॉल ही कर रहे हो, ऐसा अगर केस है तो आपको 7 days तक नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको सिर्फ 2 या 3 दिन का बैटरी लाइफ मिलेगा। ज़्यादातर इसकी बैटरी कॉलिंग में ही ड्रॉप होती है। अगर आप ऐसे ब्लूटूथ कॉल वगैरह नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्टिविटी मॉनिटरिंग के लिए इस स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर इसकी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट 7 days तक चल जाएगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन आपको इसे चार्ज करने में लगते हैं करीब करीब 2.5 hours, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चार्जिंग थोड़ा सा स्लो है, बहुत ही फास्ट चार्जिंग नहीं है। इन जनरल यूजेस आपको सिर्फ हफ्ते में एक ही बार तो इसे चार्ज करना है, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा चार्ज करना है, सो दैट इज फैंटास्टिक। बैटरी लाइफ में अगर मैं सिर्फ इसे रेटिंग देना चाहूँ, तो मैं दूंगा 4 out of 5, विच इज़ ओके। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की।
इस स्मार्टवॉच का प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। और मुझे पार्टिकुलरली ये स्मार्टवॉच काफ़ी सही लगी और अब मैं इसे एक्टिवली यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये एक्चुअल वॉच जैसी दिखती है और इसमें बहुत सारे वॉच फेसेस भी हैं, और प्लस इसका डिस्प्ले वगैरह भी बहुत ही सही है। कॉलिंग के लिए मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतनी कॉल्स वगैरह अटेंड ही नहीं करता हूँ, सो दैट इज़ वन रीज़न। लेकिन आप इसे कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ फैंटास्टिक। और बैटरी लाइफ वगैरह भी इसकी ठीक ठाक सी है, और बहुत सारे फीचर्स आपको इसे हेल्थ मॉनिटरिंग एक्सरसाइज वगैरह में मिलते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर पूरी रेटिंग्स का आप एवरेज निकालो तो आता है करीब करीब 4.3 आउट ऑफ 5, विच इज़ मार्वलस रेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बजट स्मार्ट वॉच। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।